ये एसएसटी प्लेन टू है और हमने इसमें सैंपल कलेक्ट करके करीब 2 घंटे के ऊपर हो गया और स्टेबल स्टेट पोजीशन में हमने इसे रखा था। देखो अभी ये जो नीचे का ये सेक्शन है ये जेल है, और जो ये सेपरेट हुआ हुआ लेयर दिख रहा है ये सीरम है, और जो इसके ऊपर है पूरा रेडिश है ये पूरा आरबीसी है। तो ये एसएसटी ट्यूब है, जेल नीचे है जो हमेशा नीचे ही रहता है आप नया ट्यूब लोगे तो। अब इसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से सेपरेट होता है। आरबीसी नीचे होता है और सीरम ऊपर आ जाता है और बीच में जेल रहता है जो कि हेमोलाइज होने का चांसेस कम कर देता है। इसे बैलेंस करते हुए सेंट्रीफ्यूजर मशीन में डालना है, अपोजिट डायरेक्शन में 2 सैंपल मतलब होने चाहिए सामने सामने। अभी स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस दिखता है। सेंट्रीफ्यूज हो गया, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद देखो ये किस तरीके से, ये देखो किस तरीके से आरबीसी नीचे सेटल हो गया, बीच में जेल आ गया और उसके ऊपर में सीरम सेपरेट हो गया। तो इसको कितना भी हम हिला देंगे ना तो जेल के ऊपर ही ये रहेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो एसएसटी ट्यूब का ये फ़ायदा होता है जिसमें सैंपल हेमोलाइज नहीं होता, जो कि लॉन्ग टाइम आप थोड़ा ट्रैवलिंग करके भी आप इसे प्रोसेस कर सकते हो, आपको लेकिन फ्रिज में रखना पड़ेगा इसको।